सोलन का एकमात्र खेल का मैदान जिसे ठोडो मैदान के नाम से भी जाना जाता है, इस मैदान में सैकड़ों खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा इस मैदान में खेल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस मैदान के समीप कोविड-19 सेंटर आरंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन को ये अंदेशा है कि अगर यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए आएंगे तो वे यहाँ खेल रहे खिलाड़ियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। यही वजह रही कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोलन के ठोडा मैदान में खेल पर रोक लगाई गई है। वहीं खिलाड़ी जिला प्रशासन के इस निर्णय से खफा नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन शहर में और कोई भी खेल का मैदान नहीं है और वे केवल ठोडो मैदान में आकर ही खेल का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस मैदान के समीप ही कोविड टेस्टिंग सेंटर खोल दिया गया है और ठोडो मैदान में खेलने पर पाबंदी लगा दी है। अब ऐसे में वे अभ्यास कहाँ जाकर करेंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वे जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वे अपना कोविड टेस्टिंग सेंटर यहाँ से कहीं और स्थापित करें, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन के इस निर्णय से खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा दब सकती है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं सोलन का निवासी हूँ। और जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि पहले कोविड टेस्ट होते थे जो हमारे हॉस्पिटल में होते थे, बट इन्होंने अब थोड़े से केसेस के कारण इन्होंने अब थोड़े ग्राउंड के पास यहाँ पे टेस्टिंग करवा रहे हैं। और ये मेरा ये मानना है कि थोड़े और ये गवर्नमेंट है ये कहीं और भी देख सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। और ताकि ऐसा होता है कि कभी बार किसी को नहीं पता होता है कि कोई भी कोविड टेस्ट करवाने आ रहा है, किसी को नहीं पता है कि मैं इफेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ, और वो किसी बच्चे के साथ मिलता है, किसी के साथ टच हो जाता है, तो वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इससे ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, तो इससे ज़्यादा हमारा रिस्क ये रहेगा कि हमारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी बहुत ही मात्रा में खेलने आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, तो इससे ज़्यादा कारण ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे है कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। तो कहीं सरकार को कहीं और देखना चाहिए, जैसे पार्क हो सकते हैं जहाँ पे आजकल बंद है, ताकि ऐसा देखने चाहिए ताकि रिस्क इससे कम से कम रिस्क हो और कम से कम इफेक्टेड बच्चे हो। ये डिसीज़न बहुत ही गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सोलन में एक ही ग्राउंड है और सारे बच्चे यहीं पे एक ही ग्राउंड में खेलते हैं, सारे बूढ़े हो गए चाहे बुजुर्ग हो गए बच्चे हो गए, सारे बच्चे यहीं पे खेलने आते हैं। क्योंकि फिर अगर ये मानना, मेरा मानना ये है कि इस टाइम फिट रहना बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमारे को रनिंग करनी पड़नी जरूरी है, योगा करना जरूरी है। अगर आप एक ही ग्राउंड को बंद कर देंगे तो सारे बच्चे घर पे रहेंगे, बोर होंगे, इससे थोड़ा सा बच्चे ऐसा है कि आज की जनरेशन है वो थोड़ी किसी और साइड इफेक्टेड हो बोल सकते हैं कि जैसे कि नशे पत्ते में जा सकते हैं। तो अगर ये मेरा मानना ये है कि कहीं और उपलब्ध करवा सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये सही निर्णय नहीं है, क्योंकि अब पूरे शहर का इकलौता ग्राउंड है, जैसे कि मतलब सब लोग बच्चे हैं, सब लोग खेलते हैं, तो कहीं पे और ये चुन सकते थे, कोई दूसरा प्लेस चुन सकते थे इसके लिए। और वैसे भी जैसे कोविड के लिए टेस्टिंग चल रही है तो इसके लिए कसरत भी जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, तो मेरे हिसाब से ये सही निर्णय नहीं है जो इन्होंने इस ग्राउंड को चुना है। यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलना है, तो ये भी एक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो कहीं पर भी कर सकते, चिल्ड्रन पार्क है, इतना सारा एरिया, वहाँ पर बहुत सारा एरिया, तो वहाँ पर कर सकते थे। सर, मुझे अभी अभी पता चला कि यहाँ पर कोविड का टेस्ट चल रहा है, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर सुबह इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, एकेडमी के बच्चे आते हैं, तो ये गलत डिसीज़न है, क्योंकि कहीं और करवा सकते हैं आप, पुलिस ग्राउंड है और चिल्ड्रन पार्क है, जोहर पार्क है, आप कहीं भी ये मतलब कोविड सेंटर बना सकते थे। थोड़ा ग्राउंड जो है बच्चों का खेलने का, हमारा खेलने का और यानी घूमने फिरने का ग्राउंड हैगा, सरकार ने इसको भी कोविड सेंटर बनाने का सोचा हैगा। मैं इस सरकार से अपील करता हूँ जैसे पार्क और भी है, पार्क को सब कोविड सेंटर बनाया जाए, क्योंकि बच्चों का होम ग्राउंड है खेलने का, कूदने का, वॉक करने का, इससे हमें बहुत दिक्कत आएगी आगे चल के, हम कहाँ वॉक करेंगे, कहाँ हम खेलेंगे कूदेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए, हिमाचल सरकार को। अब जैसे कोविड टेस्टिंग के चलते इस ग्राउंड को बंद भी किया जा रहा है, तो फिर क्या आपको समस्याएं आएंगी? सर, बहुत दिक्कत आएगी, हम कहाँ जाएंगे घूमने, एक इकलौता ग्राउंड है और वो भी कोविड सेंटर बन जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ वॉक करेंगे, कहाँ खेलेंगे।